Assalamu alaikum everyone. This is Amir Birki from 47th Common Military Lands and Cantonments Group. अच्छा ये वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हाउ टू डीकंस्ट्रक्ट द क्वेश्चन पार्ट ओनली. आई हैव सीन के मोस्टली एस्पायरेंट्स आर मोर कंसर्न कि सर हम आंसर्स को किस तरह फॉर्मुलेट करें विदाउट नोइंग कि क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाता है. क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको स्टडी कैसे किया जाता है, उनका क्या मतलब होता है. जब भी मैं अपने सेशंस में पेपर पास्ट पेपर्स डिस्कस करवाता हूँ उनके साथ या सॉल्व करवा रहा होता हूँ तो आई हैव विटनेस दिस थिंग कि वो उनको बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता. सो दे आर अटेम्प्टिंग देयर क्वेश्चन जस्ट यू नो राइट इन द ब्लू. तो इस तरह नहीं होना चाहिए. आई थिंक रेलिवेंसी रेलिवेंट कंटेंट लिखना अपने आंसर्स में वो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई पर्सनली कंसिडर कि ये उन ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर है कि जब हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता क्वेश्चन में और हम आंसर्स लिखना जो है वो शुरू कर देते हैं. तो आई पर्सनली बिलीव कि सारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि आंसर किस तरह लिखा जाता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू लर्न कि हाउ टू स्टडी क्वेश्चन द क्वेश्चन पार्ट ओनली. तो जब मेरा कंटिन्यूसली इंट्रोडक्शन हुआ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जब मुझे पता चला कि यार दिस इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल कि मेजॉरिटी को नहीं पता होता उन टर्मिनोलॉजीज का, तो दैट थिंग हैज एक्चुअली कंपेल्ड मी टू यू नो मेक दिस वीडियो के रादर इन गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ टू यू नो कम्प्रिहेंसिवली अटेम्प्ट क्वेश्चन, जस्ट लेट मी शेयर दिस वीडियो विद दोस कैंडिडेट्स दोस एस्पायरेंट्स जिनको शायद इन टर्मिनोलॉजीज का पता ना हो, जिनको जिन्होंने आज तक इस पे फोकस ना किया हो, ध्यान ही ना दिया हो इस तरफ कि यार क्वेश्चन को भी स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो भी एक आर्ट है कि किस तरह आप क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजीज को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दिस वीडियो एक्चुअली गोइंग टू हेल्प दोज एस्पायरेंट्स वेरी मच इन दिस रिगार्ड. जो सात आठ मोटी मोटी बातें हैं वो आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो. इट विल बी अ शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो. लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, लेट्स सी क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकल एनालिसिस. सो जब भी क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालाइज या क्रिटिकल एनालिसिस की बात होती है, सो बेसिकली क्रिटिकल मीन्स इम्पॉर्टेंट. वेरी ऑफन हम ये बात सुनते हैं दैट देयर इज डायर नीड फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, सो बेसिकली जो क्रिटिकल का यहाँ पे वर्ड है इसका बिल्कुल भी मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है. सो क्रिटिकल एनालिसिस एक्चुअली मीन्स टू डू दी बेसिकली यू हैव टू डिलिनिएट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस करना होता है उस टॉपिक के हवाले से या उस डिमांड के हवाले से जो क्वेश्चन में हाईलाइट की गई होती है. फॉर इंस्टेंस अगर ग्लोबलाइजेशन की बात है, लेट्स से कि ग्लोबलाइजेशन पे कोई वर्ड आया है और आप लोगों ने इस पे क्रिटिकली एक अकाउंट लिखना है, तो आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन 1.0 2.0 के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन पोस्ट वर्ल्ड एरा में क्या था, ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या है, एंड ग्लोबलाइजेशन इज रिकॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या है. सो ये सारे एकेडेमिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में चार्टर्ड हैं. सो आपने वो सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का जिक्र करना है. सो क्रिटिकली मीन्स इम्पॉर्टेंट, एक ये बात याद रखें. सेकेंडली डिस्कस. एक्चुअली डिस्कस में हम क्या करते हैं दैट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर मेन आर्गूमेंट. तो अपने मेन आर्गूमेंट से जैसे हम शुरुआत लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको सब्सटेंशिएट करते हैं किस चीज़ से, इस्टेब्लिश्ड स्कूल ऑफ थॉट से या स्कॉलर के किसी वर्क से या उसके साथ कोई आप कहने के लिटरेचर जो रेलिवेंट लिटरेचर है. सो बेसिकली डिस्कस में हम अपने कंटेंट को सब्सटेंशिएट करते हैं एकेडेमिक डिस्कोर्सेस के साथ. तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी डिस्कस का वर्ड आया हो क्वेश्चन में कि डिस्कस दैट और डिस्कस दिस, दैट एक्चुअली मीन्स दैट द एग्जामिनर रिक्वायर्स ऑफ यू कि आपने अपने कंटेंट को किसी एकेडेमिक डिस्कोर्स के साथ बैक करना है. तो आप मेक श्योर करें कि किसी लिटरेचर का या स्कूल ऑफ थॉट का या स्कॉलरली वर्क का
ज़रूर सपोर्ट लें वहाँ पे। थर्ड, कमेंट एंड क्रिटिसाइज। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कमेंट एंड क्रिटिसाइज है, कमेंट बेसिकली मींस, कमेंट का जब वर्ड आना है आपने समझ जाना है दैट द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन माय ओपिनियन। यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना एनालिसिस देना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है। और यहाँ पे जो क्रिटिसाइज है, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल अकाउंट कौन सा होता है जो हम नॉर्मली अंडरस्टूड करते हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म का स्कोप कहाँ पे है, यहाँ पे होता है जब कमेंट एंड क्रिटिसाइज की बात हो। या फिर अगर सिर्फ कमेंट आता है सो कमेंट मींस आपका ओपिनियन, ठीक है। फोर्थ पे हम देखते हैं इलिस्ट्रेट या इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन या इलिस्ट्रेट बेसिकली मींस एग्जांपल्स, ठीक है, यानी कि यू आर सपोज टू गिव एग्जांपल्स, यू आर सपोज टू सपोर्ट योर कंटेंट विद एग्जांपल्स। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, एग्जांपल्स के थ्रू आपने अपने कंटेंट को जस्टिफाई करना होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पे अगर हम देखें इलुसिडेट को, इलुसिडेट के साथ एक फ्रेज हमेशा आती है कि इन द लाइट ऑफ। सो आप समझ लें कि इलुसिडेट का मतलब ही यही है, ठीक है, कि इन द लाइट ऑफ। नॉर्मली हम देखते हैं कि इलुसिडेट का वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे एक रेफरेंस का रेशनेल ज़रूर मांगा होता है, यानी कि इलुसिडेट इन द लाइट ऑफ इकबाल, इलुसिडेट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ इकबाल और कैद आज़म सेंग्स वगैरह वगैरह। सो इन द लाइट ऑफ आपने याद रखना है। नॉर्मली एग्जामिनर ने मैंशन किया होगा कि वो किसके अकाउंट में इलुसिडेशन मांग रहा है आपसे, और अगर नहीं किया तो मेक श्योर कि सम हाउ और दिस हाउ आप किसी एक आध कंटेंट के साथ अपने जो अकाउंट है उसको जस्टिफाई करें, यानी कि इन द लाइट ऑफ एनी सुटेबल पर्सनैलिटी वर्क और एनीथिंग दैट यू डीम इम्पॉर्टेंट वो आपने एग्जीक्यूट कर देना है। अच्छा, सिक्स पे एक एक्सप्लेन और एक्सट्रपलेट। एक्सप्लेन का बड़ा वेग है, यानी कि यहाँ पे स्कोप काफ़ी वेग होता है, आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो मल्टीपल हैं, आप किसी भी एस्पेक्ट में जा सकते हैं। दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, एक इसमें कंटेंट सीक्वेंस वाइज होता है, कंटेंट की जस्टिफिकेशन आपने सीक्वेंस में रखनी है, वो हम नॉर्मली भी क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करते हैं, लेकिन जहाँ पे भी एक्सप्लेन आए तो एग्जामिनर आपसे ये कुछ चीज़ें ज़रूर एक्सपेक्ट करता है, फैक्ट्स हो गए, स्टेट्स हो गई, और इस तरह का जो एक्यूरेट कंटेंट सपोर्ट मटेरियल होता है वो आपसे डिमांड किया जाता है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेन और एक्सट्रापोलेट। सातवीं चीज़ एग्जामिन। एग्जामिन बेसिकली दो एक्सट्रीम्स की बात होती है यहाँ पे, कि एग्जामिन, वी एग्जामिन एवरीथिंग इनटू एक्सट्रीम्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में। तो यानी कि जहाँ पे भी एग्जामिन का वर्ड आया है यू आर सपोज टू यू नो गिव द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड, और इसका जो कंक्लूजन होगा वो आपने अपने ओपिनियन में ही देना है, यानी कि जो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। कंक्लूजन एग्जामिन में आपका पर्सनल ओपिनियन होता है, हाउएवर जो कंटेंट की जस्टिफिकेशन होती है वो आपने दो एक्सट्रीम्स में देनी है, पॉजिटिव में भी देनी है, नेगेटिव में भी देनी है। डिलीनिएट इज सिंपल। डिलीनिएट बेसिकली मीन्स के पॉइंट्स में आपने कंटेंट देना होता है, पॉइंट्स में या बुलेट फॉर्म्स में। फॉर इंस्टेंस, डिलीनिएट दी 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, ठीक है। सो बेसिकली वो 1, 2, 3 और बुलेट फॉर्म में और स्टार्स फॉर्म में आप लोगों ने डिलीनिएट करना होता है अपना क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफाइन। डिफाइन सिंपल है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमेशा हम इस्टेब्लिश्ड डेफिनेशन को कोट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस डेफिनेशन की कोई मजीद एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है तो वो हमारा अपना ओपिनियन होता है, यानी कि जब भी हमसे डेफिनेशन मांगी जाती है तो हम 2 से 3 डेफिनेशंस देते हैं और उसके बाद उन्हीं डेफिनेशंस को एक्सटेंड हम अपने वर्ड्स में करते हैं। सो दीज आर द फ्यू निटिग्रिटीज क्लीशे चीज़ें हैं जो कि हमने काफ़ी ज़रूरी होती हैं कि हमें पता हो कि इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, जो इतना रिपीटेडली यूज़ होते हैं पेपर में, हर दुनिया के हर पेपर में ये वर्ड्स को टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिपीट होती रहती हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि इनका बेसिकली रैशनल क्या है आने का। उसके अलावा अमेजोन में 2 एनालिसिस आ रही हैं, वो एक स्वॉट एनालिसिस होती है और एक पेस्ट एनालिसिस होती है।
जब भी आपसे पेपर में, ख़ास करके जो एकेडेमिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, उसमें आपसे, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आपसे स्वॉट एनालिसिस वो मांग सकते हैं, SWOT, क्या आप स्वॉट एनालिसिस करें। अक्सर एस्पायरेंट्स को पता होता ही है इसका। एनी हाउ, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, W weaknesses, O opportunities and T stands for threats. Threats यानी के challenges. So जब भी आपसे SWOT analysis मांगा गया हो, आपने four aspects में अपने question को justify करना है, उसके four contents लिखने हैं, basically strengths mention करनी है, weaknesses mention करनी है, opportunities and challenges. Pest analysis क्या होता है, PEST. बेसिकली पेस्ट एनालिसिस का भी सेम है कि फोर प्रॉन्ग एक अप्रोच है ये, जिसमें आप फोर एस्पेक्ट्स को बेसिकली टच करते हैं। अगेन पॉलिटिकल साइड, यानी कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, एंड लास्ट में टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सो व्हेन इट कम्स टू पेस्ट एनालिसिस हम ये चार डायमेंशन ड्रा करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू स्वॉट एनालिसिस हम ये चार डायमेंशन ड्रा करते हैं। दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई पर्सनली बिलीव के हर एस्पायरेंट को पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मुझे रियलाइजेशन इसकी तब हुई जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ लास्ट पेपर्स वगैरह जब हम डिस्कस करते हैं अपने सेशन के एंड में, तो आई हैव फिगर्ड दिस थिंग आउट कि मोस्टली एस्पायरेंट्स को पता नहीं होती। ठीक है, सो दिस वीडियो वुड हेल्प दोज एस्पायरेंट्स जिनका शायद इस तरफ ध्यान नहीं रहा या जिन्होंने इस चीज़ को एज सच इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि क्वेश्चन को भी पढ़ने का एक अंदाज होता है, तरीका होता है। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।